प्रोग्राम चल रहा है, इसका रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे सम्माननीय देशवाल जी मोड़िया कठुगढ़ से, और जो ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई समय सिंह जी बेरका से, और जो पेड़ की झनकार दिखा रहे हैं भाई रामवीर सिंह जी, भाई रामजीत पड़ीका वाले, और जो ढोलक की संगति कर रहे हैं हमारे साथ में भाई गौरव सिंह मोरली सुनवार भोलता। आइए जो आपके सामने टिकड़ी का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह यूपी राजस्थान बॉर्डर सिंसवार भोलता, भैया जी आइए टिकड़ी का धमाका। करूं और मेरी नमस्ते लीजिए। आदरणीय महानुभावों, गाना बजाना कोई जादूगर का खेल नहीं। मेरा पहले दौर आया था, नंबर था मेरा जो पहले दौर में, जब यहां बहुत व्यक्ति नहीं थे, बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। विद्वान लोग बताते भी यह समझने वाली बात है, गाने वाले गा भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, उनके बारे में तो आप ताली बजा रहे। एक गायक आया था, आप सुन रहे थे, घरवारी भगतानी है गई। देखो आपने प्रोग्राम तो लगायो कछु सुनवे का, पर गाने वालों ने चिकड़ी को खिचड़ी बना दिया। जैसे विचार करने वाली बात है, एक जंगल है, जंगल के पास एक तालाब है, एक जंगल है, जंगल के पास एक तालाब है, जंगल में अग्नि लगी हुई है, बारी बारी से सभी व्यक्ति उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नजारे को एक चिड़िया कर रही है, तालाब के अंदर जाती है, जितना जिसकी चोंच में पानी आता है उतना पानी तालाब से ला करके अग्नि के ऊपर डाल रही है। देखने वाले साहेबान ने देख लिया और चिड़िया से पूछा, ये बताइए जो आप ये कार्य कर रही है, अग्नि जल रही है, आप तालाब में जाती हैं, तुम्हारी चोंच में थोड़ा सा पानी आता है, तालाब से पानी ला करके अग्नि के ऊपर डाल रही है, क्या अग्नि बुझ सकती है? चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे बुजुर्गो, अग्नि बुझे या ना बुझे मैं ये नहीं जानती, जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। विचार करने वाली बात है, जब जिकड़ी वाली बात है तो हम यूपी राजस्थान बॉर्डर से आए। सुन बेटा, नारी की बदनामी तो मैंने कहूं नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम राजस्थान की, और बेनारी होंगी तो बेतई भटावली में होंगी, जो महादेव बाबा ने और गंगा जी नवाए रही। दुनिया बात चल रही है वेद से, और वो कैया सुन लो भटावली नारे, ये दुनिया तो आनी जानी है, पर आज ये महफली बताएगी किसमें कितना। पाक जाओ चाहे श्रीलंका, बीजा का बंधन है। आपकी बस्ती में हम पहली बार आए, और देखो हमन तो न्यू पर तो नाई कन्या की पबलक काच आ रही है, पर देखो भटावली वालो छोरा नई उम्र को छोरा है, पर दूर तो देख लियो पहचान ना सकत जे छोइया का छोरा है। पर सुन बेटा भटावली वाले, क्या के पाक जाओ चाहे श्रीलंका, बीजा का बंधन है, बिन बीजा के गए मारुति नंदन और अभिनंदन है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। Oh,
हनुमान जी के पास कोई टिकट नहीं थी जब रावण लंका जलाए गए और ये किसी भारत मां का लाडला अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर गया था। हनुमान जी पूछ वाले और बटावली वाले अभिनंदन मूछ वाली। अब सुन बात कहां से कहां चल रही है और कबीरा जी क्या गाने मंत्र है। मैं मंच से गाना गाता हूं बाबा ये तेरे नाई डोल अब तुम्हें देख लो डोल के करें का लाली पे 2800 रुपया और न बारे का 300 का 400 का 500 का जीरो बटा जी इतने का तो लंबाई नहीं तो फोन बजा के भरती है जाते इतने का पढ़े लिखे ना तो मास्टर है जाते भजन गाय वो सीख लो बच्चनो पालन है जाएगा जब में बहन जी बबर बैठी और गबई यू मात का डोलने पर देखो हम तो बड़े बूढ़े ने ये कई बात कह रहे पैसा ने लाली ना भूजो कन्या नाम सो करो पर आशीर्वाद है हमारे घर दे दो जाते उद्धार हो जाए हमारा। बात सच्ची है ना क्या लिख रहे माता दिए जयकारे जन पूछ भी जाए दई पानी में। हनुमान जी को भी काम पानी से ही पड़ा और अभिनंदन को भी पड़ा। जन पूछ भू जाए दई पानी में जन जाने बचाए दई पानी में। और मास्टर जी दोनों योद्धा बने भाल के देखो चंदन है दोनों योद्धा बने भाल के देखो चंदन है एक तो पूछ वाला है अब कि तो श्रोता आए जो सोचो आंख ने कैंप में तिन करके आए इनका। खैर कोई बात नहीं आप अपने ध्यान को मेरी कथा की ओर लगाएं। जो भैया जी मेरी कथा चल रही थी तुलसीदास की शादी हो गई सुंदर घरवारी आ गई तुलसीदास का मन नहीं लगता। एक दिन ऐसा हुआ तुलसीदास का साला आया अपनी बहन रत्नावली को लेकर के चला गया। तुलसीदास जी बहुत प्रेम करते उसी समय अपने घर से निकल गए और कहने का मतलब दादाजी मेरा एक ही रहा के ससुरार में द्वार पे तुलसी आयो है और बंद जाए फाट को। तुलसीदास जी कह रहे बड़ी मुश्किल इन दुनिया तक आयो मैं अपनी घरवाली से कैसे मिलूं के भाग दौड़ सब गई है बाहर में तुलसी रे ओ दुख पाइये और बड़े-बड़े कष्ट झेल के आयो यहां बंद किवरिया खड़े हो खड़े हो। तुलसी भारी गुणा लगावे पर मेरे बाबा जाए बैयर की यादी। तुलसीदास जी मेन गेट पे खड़े अब कथा क्या मोड़ ले रही भैया गौरव कर रो कर अरे तुलसी करो विचार मेरे हाय अरे तुलसी करे विचार मेरे करता रे कहां अब जाऊं अपनी प्यारी के आजुतों में रसन कैसे पाऊं।
नारी का नारी की अमर कहानी है। लल्लू गौरव चाचा पैसा दिखाए रो माती जानो पर धंधो कर भी आए तो साहस देखो नारी का साहस देखो नारी का रीति अमर कहानी है। यमदूतों से पति छुड़ाया बातन उनकी कहानी है बातन उनकी कहानी है। भैया वो संग पति सती हो गई अरे संग पति के सती हो गई मेहमा बेटा बथानी है। संगपति के सती हो गई मेहमा बेटा बथानी है। अंग्रेजों से लोहा लेकर झांसी वाली छोड़ दही थी हर की चर्चा फिर दीजिए गुलाम छोड़ दही थी हर की चर्चा फिर दीजिए गुलाम पौआ पी के मारे गानी पड़ गई है भाई। देखिए तुलसीदास जी बाबा साहब ससुराल में पहुंच गए मेन गेट में खड़े हुए हैं। अब कह रहे मैं अपनी घरवाली से मिलू कैसे। तुलसीदास ने उस जगह को छोड़ दिया जहां खड़े अपने दिल में सोच रहे कि मेरी घरवाली मुझसे प्रेम करती होगी तो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर छेका होगा। तुलसीदास ने मेन गेट छोड़ दो अब चारे ओर घूम रहो रामजीत भैया कैसे घूम रहो क्या अरे चारे ओर देख रहे हो ठाड़ो दिखत नहीं ऐसो भयो इसमें अंधो जाती अकल गई मोहरा मरी भौजी तक नहीं देखा मरी भौजी तक नहीं देखा ऐसी लई लगन लगा
जी तुलसीदास जी मकान के पीछे पहुंच गए। आप जैसे विद्वान लोग बताते पिछवाड़े एक पनारो हेलो जा मैं लटक तू बिसियरू पर तुलसीदास हाथ फेर के देख रही और रस्सी सी खटक गई। धन्य तुलसीदास जी करे कि मैं तो प्रेम करती हूँ पर मेरी घरवारी बहुत प्रेम करती मेरे काज रस्सा लटका दियो पर यू ना देख रहे हो जी हतुका सौदा है भाई तो ऊपर चढ़ी हुई पड़ रही है। आप जैसे विद्वान लोगों ने दिख दिया दिखाई कुछ नहीं देता अंधेरा जब कि छा जाता है इसको चढ़ता है सिर्फ उसी के वो अन्ना हो समय के अनुसार गाना ऐसी बात है सा कोई बात ना है मां तो नंबर पहली है। पार्वती मैया बोले बाबा ते कह रही है मेरे जीवन बीतेगा तुम्हारे द्वारा पे आज तक आपने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया देखो पृथ्वी लोग पे दुनिया भर के गांव गांव में भजन जिकड़ी है रे दुनिया भर के भंडारे है रे और सुनो पब्लिक का नाश्ता मिल ले। मैं कहते को छोटा सा काम कर दो बोले बाबा कह रहे पार्वती ऐसी बात क्यों कर रही है तेरा घर है भाई बोल तू क्या करना चाहती है। महाराज हाथ जोड़ के विनती है एक काम कर दो पार्वती मैया भोले बाबा ते कह रही है और कैसे कह रही है मास्टर अरे भोला एक छोटी सी कथा कराए दे कराए दे कराए दे कराए दे अरे भोला एक छोटी सी कथा कराए दे परी जम रड़ुआ नकुनो तिजी बाबा तू कर रही बल्लियों देखे हम रड़ू आए कबड़ा मध्य बटावरी को छोड़ा आयो और ब्याह करवाए के जाएगा दादे के संग कह रहा पर पार्वती मैया भोले बाबा ते कह रही और भोले बाबा का कर रहे सुन गोरा की बात समुने रड़वाई में प्रभु लायो है अरे सुन गोरा की बात समुने रड़वाई में प्रभु लायो है विधि विधान से भोले बाबा ने हवन यज्ञ करवायो है तिलक लगाए के आए गए रड़ुआ तिलक लगाए के आए गए रड़ुआ मन में मोदु मनायो है हंसी खुशी से पार्वती ने भोजन इन्हें करायो है। भोले बाबा और पार्वती मैया दो भोजन कराए रे भोले बाबा करे पार्वती जब तक दक्षिणा नहीं देगी तब तक भोजन अधूरा होता है। संत ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर हुआ करती है बोल दक्षिणा में क्या देना है पार्वती मैया के दक्षिणा दक्षिणा तो मैंने बोतना दे धर रखी है तो देर सवाल दी दक्षिणा का आ जाओ जल्दी क्या लिख दिया भोला के एक थान जो मैंने खानी है जो दक्षिणा में इनकी है काजी जो दक्षिणा में इनकी है काजी एक एक बैयरी वानी है जो दक्षिणा में इनकी है काजी एक एक बैयरी वानी है फरसा उठाए ले ओ भोला ने फरसा उठाए ले ओ भोला ने मन में करी न गिलानी है रड़ुआ नकी ऐ भोले बाबा गड़सा चल लो अरे तू अगवे फार करी है रड़ुआ नकी बचा नहीं जिंदा कहानी तारे भाग्य कछु जाने बचाए की जी कैसी मेहमानी है जा में भोले बाबा गड़सा दे दे बामे ते कली नहीं तेरा गुआ थारे है जाए अब टोको मत नंबर में पहली हो पहली नंबर में तो बाम चले को रिजल्ट और मेरा तो सुबह नंबर वैसी आ वो पहली एक नंबर में लोग आए संजय टेम अरे भैया जी भोले बाबा जामे दे दे तक हम कोए फारे है जाते हैं पर भोले बाबा ने क्या किया जिन्हें ते दुआ दुआ फाड़ नहीं करी
ये कंगई बनाए दे भैयर और ये कंगा बनाए दो मांस। अब ये रड़ुआ पे भैयर ले लेके घर खु जाए रे और जो माते भा जाए का बेन्यू कह रहे न्यू बताई ना भैयर ने कहां ते लाए क्यों ना पूछी तुम जिंदे कैसे है गे पाने कही तुम जानते बोले बाबा बड़ो जादू है भाई कहा जादू है हमें तो दुआ फार करी भाई हाँ ये कंगई बना दे भैयर और ये कंगा बना दो मांस। एक सुन के तो मैं रडुआ बोले बाबा जोर पहुंच गई भाई बाबा बिना में तो करी दुआ दुआ फारा हम में तो कर दे चार फार फिर रडुआ कह रे भैया के स्वाद में हम में तो करी दुआ फार बिना में तो कर दे चार फार और तीन बना दे भैया एक बना दे मांस। बोले बाबा हंस गए कि नो चांस जो ऑफर निकला था ताको समय पूरा है पर रडुआ ना बगैर रुकियो जाए तुम फोने लेके जाओ बैलेंस उठ रहा है भाई भैया पचासम पचासम मिल लेगा भाई ना मिल ले तो ऊपर नीचे देख ले कोई ऑफर निकल रहा हो छोटो मोटो भाई बात है वे रडुआ कह रहे बोले बाबा कह रहे एक ऑफर तो निकल रहा है भाई जंगल में जाओ जा गांव की हड्डी मिल जाए भाई हड्डी ले आओ भैया ले जाओ। रडुआ छूट गए जंगल में जाए भैंस की हड्डी मिल गई ए पूरे मुंह से लायो कंधा पे ए बाबा ये काजे भैया दे दे बोले बाबा ने भाई प्रकार ही मोटी ताजी भैया दे दे जाए सुगरिया की हड्डी मिल गई बोले बाबा ने भाई प्रकार ही भैया दे दे और बे भैया कहां मिलते सुगरी हड्डी की लल्लू कह रहे हो वाल साड़ी पहरे ने टकी मालपति को खाए रही है बटावली मिलेंगी चली रही है सीधी चलते चलते बटावली वाले के लिए छोटा सा तोहफा नारी के संगार है सोले नारी के संगार है सोले जिनके नाम गंडूरा में खोले नारी के संगार है सोले सोले श्रृंगारों में ये नहीं चलेगा कि लहंगा ले ले चुनरी ले ले बिंदिया ले ले और मास्टर जी नारी के संगार है खोले जिनके नाम कटूरा में खोले तू इनके नाम बताई दही यो नहीं अपनी नाटक